नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में DSSB के PRT और NTT यानी कि नर्सरी टीचर के मैथमेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि वर्गमूल 3 = 1.732 दिया हो तो 2 / √3/2 / √3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इफ़, क्योंकि √3 = 1.732 इज़ गिवन, देन द वैल्यू ऑफ 2 + √3/2 - √3 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला है a प्लस बी की तरह और नीचे वाला है a माइनस बी की तरह। तो हमें पता है कि कोई इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है हर का। तो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी जो है a² - b² हो जाता है। तो उससे क्या होगा, नीचे हर में दोनों वर्ग हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो उससे वर्गमूल 3 हट जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि नीचे a माइनस बी वाली फॉर्म में है, तो a प्लस बी यानी कि 2 / √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, और 2 को √3 से गुणा करते हैं तो 2 √3। इसी तरह से 3 को √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3, और 3 को √3 से करेंगे तो 3 आता है। इसी तरह नीचे a माइनस बी और a इंटू में a प्लस बी होके a² - b² हो जाएंगे। तो a क्योंकि 2 है तो 2 का वर्ग 4, और 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 जुड़ के 7 हो जाएंगे, और 2 √3 / 2 √3 = 4 √3 यानी कि 4√3 हो जाएंगे। नीचे 4 - 3 1 हो गया। इस तरह से हमारा उत्तर आया 7 + 4√3, और वह √3 की वैल्यू हम रख देंगे 1.732। तो 4 से 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8, और 4 × 3 = 12, 1 कैरी हो गया, और 4 × 7 = 28 + 1 = 29, और 4 × 1 = 2 + 1 = 6 = 13.928, यानी कि बी आंसर ठीक है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट तरीके के लिए जो है, आप देखिए कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो उनमें कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही छोटे तरीके से उसको कराया जाए। तो यहाँ देखिए, ये है a प्लस बी, जैसा मैंने पहले बताया था, नीचे है a माइनस बी। अगर कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस फॉर्म में आता है, क्योंकि a यहाँ पर मैंने माना 2 को और वर्गमूल 3 को माना है b, तो ये उत्तर a² + b² + 2ab के फॉर्म में ही आएगा। अगर नीचे क्या होगा, a² - b² आता है, तो a² - b² 1 के बराबर हो, तो सिर्फ ये a + b² हो जाता है। तो वो जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग 4 है, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 है, तो 4 और 3 का अंतर 1 है, तो a² - b² 1 हो गया। इसीलिए ये हो जाएगा a + b² यानी कि आपको क्या करना है कि पहले और दूसरे वाले, यानी कि ऊपर जो दे रखा है a + 2 + √3, सिर्फ इसका वर्क मात्र कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, a जो है वो हमने जो है 2 को माना, और b माना है वर्गमूल 3 को। तो दूसरा इसका क्या करना है, ये आपने लिखा 2 का वर्ग और ये वर्गमूल 3 का वर्ग, यहाँ पे 2, और a क्या है आपका फिर 2, और b क्या है वर्गमूल 3, तो 2 का वर्ग 4 / √3 और ये 2 × 2 = 4 / √3 यानी कि 7 + 4 / √3 आ गया। अब आप वर्गमूल 3 का मान रख के इसी तरह से पहले की तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि a 2 है और b जो है 1.732 है, तो 3.732 जो आएगा, आप इसका स्क्वायर करके भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि 1.732 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर के एंड में 8 आएगा, यानी कि b और c में से ही कोई आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस 2, 3, 5, 8, 13, 21... श्रेणी का अगला अंक क्या होगा। तो आपको जो ये सीक्वेंस दे रखी है 2, 3, 5, 8, 13, 21, तो आपको 21 के नेक्स्ट नंबर क्या है वो निकालना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, 3 में अगर जो है 2 और 3 को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 5 आता है, अगर 3 और 5 को जोड़ दें तो 8 आता है, 5 और 8 को जोड़ दें तो 13 आता है, और 8 और 13 को यानी कि 8 + 13 को ऐड करने से 21 आता है। तो 13 + 21 को ऐड अगर हम करेंगे तो हमारे पास 34 आएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 34 होगा, क्योंकि यहाँ प्रीवियस नंबर
के साथ जो है दो प्रीवियस दो नंबरों को ऐड करने से आंसर आता है। आप इसको ऐसे समझे, देखिए दो में तीन जोड़ा तो मेरे पास आया पाँच, यानी कि तीसरा नंबर आ गया पहले दो को जोड़ने से, फिर दूसरे और तीसरे यानी कि तीन और पाँच को जोड़ेंगे तो चौथे वाला नंबर आठ आ गया, और फिर तीसरे और चौथे नंबर पाँच और आठ को जोड़ेंगे तो पाँचवा नंबर तेरह आ गया, फिर चौथे और पाँचवें आठ और तेरह को जोड़ेंगे तो छठा नंबर इक्कीस आ गया। इसी तरह से तेरह और इक्कीस को जोड़ने से उसका अगला नंबर चौंतीस यानी कि 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, द सम ऑफ द टू नंबर इज, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 और उसके वर्गों का योग जो है 289 है, तो दोनों का योग होगा, दोनों अंकों का योग क्या होगा ये संख्याओं का वो बताना है। तो हमें दे रखा है, हमने माना कि ए और बी दो संख्याएं हैं, तो उनका गुणा ए इंटू बी क्या हो गया 120, और ए का वर्ग और बी का वर्ग का योग जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हो गया 289। तो यहाँ पर जो है हमारे को निकालना है दोनों अंकों का जोड़, यानी कि ए प्लस बी क्या है वो निकालना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि ए का वर्ग जमा में बी का वर्ग जमा में 2a गुणा b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 289 है और ए बी जो है वो 120 है, तो उसका दुगना जो है 240 यानी कि 240 हो गया। अब 289 प्लस 240 जो है वो 529 के यानी कि 529 के बराबर होगा। जो तो ए प्लस बी का वर्ग अगर 529 है तो ए प्लस बी जो है 529 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 होगा, तो जो कि 23 के बराबर है। तो 529 का वर्गमूल जो है 23 है। वर्गमूल निकालने की शॉर्टकट तरीके के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज सी टू कंप्लीट द वर्क, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन वन डे, इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। वो कह रहा है कि ए किसी काम को बी से दुगने समय में करता है और सी से तिगने समय में करता है, वो मिलकर वो तीनों मिलकर उस काम को एक दिन में करते हैं, तो ए जो है वो अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो अकेला ए इस काम को कितने समय में करेगा जबकि वो बी से दुगना टाइम लेता है और सी से तीन गुना यानी कि ट्रिपल टाइम जो है वो काम को कंप्लीट में करने में लेता है, यानी कि ए सबसे सुस्त है और वो सबसे देर से काम करता है और बी और सी जो हैं उससे तीव्र हैं, ए से ज़्यादा थोड़ा तेज काम करने वाला बी और बी से भी तेज काम करने वाला सी है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो सी है वो एक्स दिन लेता है उस काम को करने के लिए। तो ए जो है बी और सी ये तीनों इस तरह से लिखे और हमने माना कि सी उस काम को एक्स दिन में कंप्लीट कर लेगा और जो ए जो है क्योंकि उससे तीन गुना समय लेता है तो वो 3x में करेगा और ए जो है वो बी से दुगना टाइम लेता है, यानी कि बी जो है वो ए से आधा टाइम लेगा क्योंकि ए 3x ले रहा है तो बी उसका आधा है यानी कि 3x बटे में 2 टाइम लेगा, तो इतने दिन में वो काम को कर लेगा। अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए काम को 3x में करता है तो एक दिन में 1/3x काम करेगा और बी जो है 3x/2 में करता है तो एक दिन में 3x/2 करेगा और ऐसे ही अगर x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। तो ये तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे तो पूरा काम कर लेंगे, एक पूरा काम का मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये जो है 1+3x हो गया और दूसरे वाले में जो है 2 ऊपर आ जाएगा तो 2+3x और प्लस में 1/x इक्वल टू 1 हो गया। अब 3x को एलसीएम लेते हैं तो 1+2+3 आता है इक्वल टू 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x जो है 1+2 3, 3+3 6 यानी कि 3x जो है वो 6 के इक्वल है और 3x क्या है टोटल टाइम टेकन बाय ए यानी कि ए द्वारा लिया गया कुल समय है जो कि 6 के बराबर है, यानी कि वो 6 दिन में काम को पूरा कर लेगा ए, यानी कि सी विकल्प ठीक हुआ।
हुआ है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है 45 नंबर, वो जो है कि इफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइड इज। वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं वो जो है क्रमशः दे रखी हैं, 6 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर हैं और 10 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 10 सेंटीमीटर की माध्यिका की लंबाई निकालनी है कि क्या वो 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है या 5 है या 4.8 है। तो यहाँ एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा ए बी जो है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर के बराबर, और बी ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, और सबसे लंबी भुजा बी सी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। अब सबसे बड़ी भुजा का मध्य बिंदु जो है बीसी का वो डी है, तो ए को डी से मिलाने वाली, उसके डी के सामने वाले बिंदु के शीर्ष से मिलाने वाली भुजा उसकी माध्यिका होगी। हमारे को ए डी की लंबाई निकालनी है कि इस माध्यिका यानी कि मीडियन की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए डी हमें क्योंकि निकालना है और त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में साइडें हैं 6, 8 और 10 की जो कि पाइथागोरिक ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको देखिए करके बताते हैं, तो ए बी क्योंकि 6 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 8 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ए तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 + 64 100 हो गए जो कि 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का वर्ग है, और 10 किसके बराबर है, बी सी के। इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ए बी का वर्ग और ए सी के वर्ग का जो योग है वो बी सी के वर्ग के बराबर है। अब बी सी क्योंकि जो है यहाँ पर कर्ण हो गया यानी कि हाइपोटेन्यूस हो गया, सबसे लंबी साइड है तो वो क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो उसके सामने वाला जो भुजा के सामने वाला कोण यानी कि एंगल ए जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री का 90 डिग्री का, यानी कि ए पे समकोण होगा। अब जो है समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के मध्य बिंदु को जो है उससे समकोण वाले शीर्ष से मिलाया जाता है, तो जो माध्यिका होती है वो उसके लिए ये होता है कि बी डी और सी डी और ए डी तीनों बराबर होते हैं, यानी कि क्योंकि बी डी और सी डी दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हैं, इसलिए ए डी भी 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि सी आंसर ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।